नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। आई रुक करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित खबर की ओर। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी खास ट्वीट्स के बारे में जानकारी देने के बजाय सीधे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे रही है। पिछले साल नए आईटी नियमों के लागू होने के बाद से ट्विटर और भारत सरकार के बीच में तकरार जारी है। हाल में ट्विटर ने भारत सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। यह आदेश कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने और कुछ कंटेंट को हटाने को लेकर था। जब पता चला कि भारत सरकार ने फरवरी 2021 से 2022 के बीच में अकाउंट्स ब्लॉक करने के 10 आदेश दिए थे, इनमें 1474 अकाउंट्स और 175 ट्वीट्स को हटाने को कहा गया था। यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी के धारा 69 के तहत जारी किए गए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की उनमें से 39 लिंक और ब्लॉक करने के आदेश को रद्द की मांग की गई। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी खास ट्वीट्स के बारे में जानकारी देने के बजाय सीधे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे रही है। कंपनी ने कहा, ऐसे आदेश लगातार बढ़ रहे हैं। कई लिंक में राजनीतिक और पत्रकारीय कंटेंट होते हैं। ऐसे सूचनाओं को ब्लॉक करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है जो ट्वीट अपने यूजर्स को उपलब्ध कराता है। ट्विटर ने यह भी दावा किया कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कई बार ब्लॉक करने के आदेश में सही कारण नहीं बताती है, जबकि धारा 69 के तहत यह जरूरी है कि आदेशों में यह नहीं बताया गया कि कंटेंट धारा 69 का उल्लंघन कैसे है। कंपनी ने अपनी याचिका में ब्लॉक करने के कुछ आदेशों को असावधानिक बताया। ट्विटर ने कहा कि ब्लॉक करने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन आदेशों का धारा 69 के तहत कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आदेश साफ तौर पर मनमाना है, इसमें यूजर्स को नोटिस जारी करने जैसी बात भी नहीं कही जाती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जिन अकाउंट्स और ट्विटर्स को सरकार ने हटाने का आदेश दिया उन सभी के बारे में ट्विटर ने विस्तार से सील बंद लिफाफे में कोर्ट को जानकारी दी है। इसके धारा 69 के तहत आदेश को गोपनीय रखा जाता है। कंपनी ने यह भी कहा कि नियमों के उल्लंघन करने को लेकर जून से उसे मंत्रालय से नोटिस मिला और इसका जवाब विरोध दर्ज कराते हुए दिया गया। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र सरकार के पास किसी अकाउंट या पोस्ट को ब्लॉक करने या हटाने के आदेश का अधिकार है। सरकार भारत की अखंडता और प्रभुता, भारत की रक्षा सुरक्षा, दूसरे मुल्क के साथ दोस्ताना संबंधों या किसी अपराध के बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह आदेश दे सकती है। नियमों के तहत ब्लॉक करने के ऐसे आदेशों को एक रिव्यू कमेटी के पास भी भेजा जाता है, जिसके बाद अंतिम निर्देश जारी होता है। इसी खबर के साथ हमसे बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ अगले खबर में। तब तक देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।